नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल एरोस के एक और नए एपिसोड में। और आज हम जानेंगे कि हम किस तरह से अपनी वीडियोस के लिए एक प्रोफेशनल लेवल का इंट्रो कैसे बनाएं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे इस वीडियो से संबंधित। और ऐसी वीडियो भविष्य में भी लगातार देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों किसी से कुछ भी सीखने के लिए उसके साथ बने रहना जरूरी। तो चलिए दोस्तों, आज का विषय हम शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का इसमें ध्यान रखना जरूरी है। एक, आपके पीसी में हम ओपन शॉट में सीख रहे हैं, तो इसलिए उसके साथ आपके पीसी में ब्लेंडर भी इंस्टॉल होना जरूरी है, और वो ओपन शॉट में लिंक होना भी जरूरी है। अगर आपको नहीं पता कि उसको लिंक कैसे करते हैं, तो हमने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक हम ऊपर आई बटन में दे देंगे, आप उधर से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का विषय हम शुरू करते हैं। पहले हम इधर टाइटल पे गए, अब इधर एनिमेटेड टाइटल, इस पर क्लिक करेंगे। और इधर आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे एनिमेशन हैं, जिससे आप अपना इंट्रो बना सकते हैं, और इनको आप बिना किसी टेंशन के यूज़ कर सकते हैं। इन पर कोई कॉपीराइट का कोई ऐसी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप किसी और जगह से कोई ऐसी कॉपी कर लेते वीडियो, तो उस पर कॉपीराइट का दिक्कत आ जाती है। इसमें ऐसा कोई समस्या नहीं आएगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो हम इसको चुन लेते हैं। अब आप इधर देख सकते हैं, इसमें लिखा है माय टाइटल, इसकी जगह पे हम अपने चैनल का नाम लिख देते हैं। इधर से टाइटल पे हम क्लिक करा और इधर से हम इसको डिलीट कर देंगे। ये हमने लिख दिया, पर आप देख सकते हैं कि इसमें अभी तक ये चेंज होकर आपको नज़र नहीं आ रहा है। जब भी आप इसमें कुछ चेंज करते हैं और वो आपको देखना है, तो आप इधर से रिफ्रेश करेंगे और फिर आप इसमें देख सकते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो टाइटल है, जो हमने अपने चैनल का नाम लिखा, उसका साइज इसमें कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो इधर से टेस्ट साइज, इस पर जाके हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम इधर कर देते हैं और इधर से इसको डिलीट करके 0.40 करने के बाद इधर से रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये इसमें परफेक्ट तरीके से फिट हो गया है। मैंने तो दोस्तों ये पहले बना रखा है, तो मुझे पता है कि मेरे टेस्ट के लिए क्या साइज सही है। पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इधर से आप कम ज़्यादा करके इसमें चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कलर चेंज करना है, तो इधर से डिफ्यूज कलर इसको चूज करके आप इधर से कोई सा भी कलर ले सकते हैं। हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और फिर कलर लेके आप इधर ओके कर देंगे, तो वो कलर हो जाएगा। हम फिलहाल इसके कलर को ऐसे ही रहने देते हैं। और अब हमारा ये एनिमेशन तैयार है। अब हम इसको इधर से रेंडर करेंगे, तो ये अब हम इसको इधर से रेंडर करेंगे और फिर ये तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें ये रेंडर होने में बहुत टाइम लेता है, तो आपको इसमें सब्र रखना होगा। ऐसा नहीं है कि जब इसमें आपके पीसी में टाइम लगे तो आपके पीसी में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको आप टाइम दीजिएगा और ये फिर रेंडर हो जाएगा। तो हम इसको कर देते हैं। तो दोस्तों ये तैयार हो गया है, इसको हम नीचे लाके एक बार प्ले करके देख लेते हैं। इधर लाए, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। और अब इसको प्ले कर देते हैं। तो ये हमारा इंट्रो पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब इसमें अगर आपको कोई साउंड इसमें ऐड करना है, क्योंकि इसमें पहले से कोई साउंड इसमें ऐड होकर नहीं आएगा, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बना रखी है कि कैसे वॉइस ओवर देते हैं, कैसे अलग से साउंड ट्रैक इसमें ऐड करते हैं, वो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना कि हम ओपन शॉट में किस तरह से एक प्रोफेशनल लेवल का इंट्रो बनाए। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये आपके बहुत काम आएगी आपकी वीडियो को एक और भी अच्छा लुक देने में। पर फिर भी अगर आपका कोई सवाल या हमारे लिए कोई सुझाव है, तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमें ज़रूर बताइए कि आप अगली बार किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, हम उस पर जल्दी एक वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। जब तक आप और आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।